जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हां दोस्तों, कितनी वैकेंसी पर ही आप लोगों का रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें कितनी वैकेंसी मेल के रहेगी, कितनी वैकेंसी फीमेल के लिए रहेगी। फिर से एक नई वैकेंसी आप लोगों के लिए, दिल्ली पुलिस की बंपर रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है 2023 का जो दिल्ली पुलिस का रिक्रूटमेंट आया था, उसका प्रोसेस इतना जल्दी कंप्लीट किया गया कि जिसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसी है वो वैकेंट रह गई, खाली रह गई। और अभी भी मैं आप लोगों को बता दूं लगभग कितनी वैकेंसी खाली रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में नए रिक्रूटमेंट में ये सारी वैकेंसियां और ऐड हो सकती है। तो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, साथ ही इस बार कौन-कौन अप्लाई कर पाएंगे, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होने का, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में ये जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों सबसे पहले इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सभी को पता है इससे पिछले वाला जो रिक्रूटमेंट था, जो कि 2023 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और अभी उनका फाइनली है वो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा लिया गया। इतना जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करवाया गया कि बच्चों को फिजिकल के लिए भी समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवान ऐसे थे जिनके रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर बन रहे थे, लेकिन वो फिर भी फिजिकल में बाहर हो गए। और उसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो 1500 के लगभग वैकेंसी है वो वैकेंट भी रह गई है, 1500 वैकेंसी है वो खाली रह चुकी है। यहां पर फाइनल आपकी लिस्ट आई है उसमें, लेकिन मैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात करूं तो सबसे पहले जब आपका नोटिफिकेशन आया था उस समय आपकी वैकेंसी 4853 मेंशन की गई थी, लेकिन बाद में इसी वैकेंसी को बढ़ा के 7547 कर दिया। अब इसी वैकेंसी में मैं अप्रोक्स बात करूं तो 20% के लगभग वैकेंसियां खाली रह गई, और ये लगभग 1500 के लगभग ऐसी वैकेंसियां थी जो यहां पर आप लोगों की खाली रह चुकी है। लेकिन अभी भी आप लोगों की यहां पर बहुत सारी वैकेंसी वैकेंट रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में से बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जिनका सीपीओ में भी सिलेक्शन हुआ है, सीजीएल में भी सिलेक्शन हुआ है, बाकी अदर स्टेट गवर्नमेंट के कई रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे नौजवान साथी ऐसे में होंगे जो कि दिल्ली पुलिस को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो सारी वैकेंसी भी आपकी वैकेंट रहने वाली है, और वो वैकेंट जितनी भी वैकेंसी रहेगी वो नई वाली वैकेंसी में ऐड होने वाली है। अभी तक जो अपडेट हमें मिली है उसके अकॉर्डिंग नए रिक्रूटमेंट में आपकी वैकेंसी बताई गई है वो 4853 वैकेंसी यहां पर आप लोगों की बताई गई है, कि इस बार जो रिक्रूटमेंट आएगा वो 4853 पदों पर आएगा, जिसमें मेल की वैकेंसी 3398 रहेगी और फीमेल की 1455 वैकेंसी रहेगी। लेकिन ये जो 1500 वैकेंसी आप यहां पर देख रहे हैं ये वैकेंसी वैकेंट है, और ये वैकेंसी 2024 के आपकी इस रिक्रूटमेंट में ऐड होने वाली है। लगभग ये वैकेंसी आप लोगों की 6000 के लगभग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अब देखो मैं आप लोगों को कुछ जानकारी यहां पर बता देता हूं इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी, कि आखिर इस रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी सिलेक्शन ले पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। देखो अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, और अगर आपका जन्म 1/7/2003 से लेकर यहां पर 2/7/2098 तक हुआ है, तो आप इस बार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह रहेगा जनरल वालों के लिए। अगर आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, जिनमें अगर आप एससी कैटेगरी और एसटी से बिलोंग करते हैं, तो भाई दोनों में 5-5 साल की आपको छूट मिलेगी, मतलब 30 साल अगर आपकी एज है तो भी आप दिल्ली पुलिस के इस रिक्रूटमेंट में शामिल हो पाएंगे। अगर मैं ओबीसी वाले कैंडिडेटों की बात करता हूं तो भाई यहां पर आपको 3 साल की एज में इलेक्शन मिलेगी। अगर आप स्पोर्ट्स डायरेक्ट है, आप सर्विसमैन है, तो भाई आपको 10 साल की एक्स्ट्रा यहां पर यहां पर दी जाएगी। इसके साथ ही यहां पर मैं बात करूं तो आप 12th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, परसेंटेज का कोई क्रिटेरिया नहीं है। अगर आप किसी भी बोर्ड से अगर आपने 12वीं पास किए भाई, आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके पास में डीएल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, और यह केवल मेल कैंडिडेट के लिए लागू रहेगा, फीमेल के लिए डीएल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास में होगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट डेट से पहले का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में बना होना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो अभी जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिएगा, क्योंकि इस वाली भर्ती में ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट है वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए थे। तो यहां पर ये आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके साथ ही मैं अगर बात करता हूं इस रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो भाई सबसे पहले आप लोगों का यहां पर होने वाला है वो होने वाला है रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन में जो बच्चा क्वालिफाई होगा उसे फिजिकल के लिए पीटी और पीएचटी के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका ऑनलाइन अप्लाई करने की डिटेल वगैरह दी गई है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा,
सीबीटी में जो बच्चा क्वालिफाई होगा उनका फिजिकल एडवांस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट है जो पीटी और पीएमटी आपका लिया जाएगा, और जो भी बच्चा क्वालिफाई होगा उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, और मेडिकल के बाद में फाइनली आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। अगर मैं बात करता हूं इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें कि इस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और फुल नोटिफिकेशन आप लोगों को कब तक देखने को मिल सकता है, तो देखो आप सभी ने देखा होगा दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 की भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस इतना जल्दी और इतना फास्ट करवाया गया कि बहुत सारे नौजवान साथी ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, उनके रिटन एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन वो फिजिकल में बाहर हो गए और इसी वजह से 1500 से ज्यादा वैकेंसी आपकी वैकेंट रह गई थी, खाली रह गई थी, और इन्हीं वैकेंसियों को है नई वैकेंसी में ऐड करके फिर से नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब देखो ये नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं कि आखिर कब तक जारी हो सकता है, तो देखो ये आप रहेगा 15 मार्च से पहले पहले दिल्ली पुलिस की न्यू वैकेंसी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि 15 मार्च के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। अप्रैल में आप लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव होना है और चुनावों से पहले रिक्रूटमेंट है वो दिल्ली पुलिस का निकाला जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में दिल्ली की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर दिल्ली पुलिस में बहुत सारी वैकेंसियां खाली है और इन्हीं को देखते हुए 10,000 वैकेंसी आप लोगों की होमगार्ड की भी निकाली गई थी। अभी कांस्टेबल का नया रिक्रूटमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है, तो इसका रिक्रूटमेंट एसएससी करवाती है और नए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस बार के आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आप बाकी के दिल्ली पुलिस होमगार्ड दिल्ली होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके लिए हमारा टारगेट बैच है वो बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पे शुरू हो चुका है। जो भी नौजवान है जो दिल्ली होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से अच्छे से तैयारी करके अच्छे से एग्जाम आप फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।